यूपी में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में 11 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून की ट्रफ लाइन के शिफ्ट होने से पूरे यूपी में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की उम्मीद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने झांसी और ललितपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बुधवार 7 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ, अयोध्या, गोंडा और बस्ती जैसे जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कहीं कहीं बीती रात से ही बादल बरस रहे हैं, जिससे तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 7 अगस्त से 9 अगस्त के बीच यूपी के विभिन्न जिलों में बारिश होगी। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण में बना मानसून का लो प्रेशर अब उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिससे पूर्वी यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर समेत कई जिलों में भी बारिश होगी। आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को यूपी के 35 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश महाराजगंज में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा वाराणसी में भी दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई, जो पूरी रात जारी रही। मिर्जापुर, सोनभद्र और अन्य जिलों में भी बारिश की बूंदें गिरी। बारिश के कारण कई जिलों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, कानपुर और कन्नौज में गंगा का जलस्तर उफान पर है। वाराणसी में सभी 84 घाटों का संपर्क मार्ग टूट गया है और कई घाट डूब गए हैं। यूपी में मानसून की ये बारिश लोगों के लिए राहत भी है और चिंता का कारण भी। जहां एक तरफ बारिश से तापमान में गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोग सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी रखें। यह था उत्तर प्रदेश में मौजूदा मानसून का हाल। बारिश और बाढ़ से बचने के लिए सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।